रब वाली जिंदगी, खुदा रुखी जिंदगी, अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ गुजारने के लिए किस कदर जरूरी है कि जिंदगी के हर पहलू के एतबार से जायजा लिया जाए। इंसान जो जिंदगी गुजारता है उसमें से कितना वक्त उसका घर के अंदर गुजरता है। मर्द कमाने के लिए निकलते हैं, ख्वातीन जरूरियात के लिए निकलती हैं। घरों से निकलना, घर वापस आना, घर रहना और घरों में ज़रूरियात को पूरा करना, ये सब कुछ दुनिया में जारी रहता है। घर के अंदर की ज़िंदगी को कैसे गुजारें, नॉर्मली हम देखते हैं ये बातें, अक्सर लोगों को मालूम है कि घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब आदमी घर में दाखिल हो और दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करे तो शैतान कहता है ना तुम्हें सोने की जगह मिली ना खाना मिला, और जब घर दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र ना करे तो शैतान अपने साथियों से कहता है तुमने सोने की जगह पा ली, और जब वो खाते वक्त भी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है तुमने सोने की जगह और खाना दोनों को पा लिया। तो घर दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी ऐसे घर में दाखिल होने का इरादा हो जिसमें कोई नहीं रहता तो सईद अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बयान के मुताबिक ये कलिमात कहने चाहिए, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर सलामती हो और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर सलामती हो। घर में रहना इंसान के लिए बायस सुकून होना चाहिए। सुकून के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहली चीज़ जिस पे कंट्रोल करना है वो गुस्सा है, क्योंकि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर कोई मामला भी सीधा नहीं रहता। याद रखिएगा, घर वालों के साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आना लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अकमल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम अखलाकन व अल्तफहुम बिअहलिही, ईमान में कामिल तरीन शख्स वो है जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है और अपने घर वालों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव, एहसान करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया जिस शख्स में तीन खूबियां होंगी अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से ढांप लेगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उसमें पहली चीज़ है मेहमान के साथ नरमी बरतना, वालिदैन के साथ शफ़क़त करना और ग़ुलाम के साथ हुस्न सुलूक करना, तीनों का ताल्लुक घर से। आजकल गुलाम नहीं होते, मुलाजिम होते हैं, खादिम होते हैं, वो भी हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव के मुस्तहिक हैं। इसी तरह से ये भी देखना ज़रूरी है कि घरों का इंटीरियर कैसा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पर्दों और चादरों को घर में इस्तेमाल करने से रोका जिन पर जानदारों की तस्वीरें हों। सईद आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने अपने घर के साइबान पर एक पर्दा लटकाया हुआ था जिस पर तस्वीरें थीं। जब आपने उन्हें देखा खींच कर फेंक दिया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह ताला की मखलूक की तरह खुद भी बनाते हैं। सईद आयशा फरमाती हैं कि मैंने फिर उनसे एक या दो तकिए बना लिए। और अब देखिए कि वो घर जिसमें रहमत के फरिश्ते ना आए उस घर में खैर कब बाकी रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में कुत्ता और जानदार की तस्वीर हो उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं जिसमें कुत्ता और मूर्तियां हों। तो फरिश्ते कुत्ते और तस्वीर की वजह से घरों के अंदर नहीं आते, हाँ शिकारी कुत्ता या हिफाजत करने वाला कुत्ता इससे मुस्तस्ना है। इसी तरह हम देखते हैं घर कायम होते हैं निकाह से,
شوہر اور بیوی کا جو آپس کا تعلق بنتا ہے۔ اس لیے گھر بنانے کے لیے جب کوئی نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق گھر کو سجائے بنائے۔ جب سیدنا جابر بن عبداللہ نے شادی کی تو نبی کریم نے پوچھا، ہل اتخذتم انماتن، تم نے جھالر دار چادریں لی ہیں؟ سیدنا جابر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہمارے پاس جھالر دار چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ نے فرمایا، جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس میں حرج کی بات نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق گھروں کو خوبصورت بنانا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے گھروں میں داخلے کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں براہ راست داخل نہ ہو اور نہ جھانکے، کیونکہ آپ نے گھر والے کو اجازت دی ہے کہ وہ جھانکنے والے کی آنکھ نکال دے۔ استغفر اللہ۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ اجازت لی جائے۔ آپ کا فرمان ہے، اجازت 3 مرتبہ ہے، اگر تمہیں گھر والا اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اور گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سید عبداللہ ابن بسر بیان کرتے ہیں، نبی کریم جب کسی دروازے پر اجازت کے ارادے سے آتے تو دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، اگر اجازت مل جاتی تو داخل ہو جاتے، ورنہ تشریف لے جاتے۔ پھر گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نفل نمازوں کی ادائیگی، سنتیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنانی چاہیے۔ خواتین کو تو فرض نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر فرض نمازیں پڑھنے سے مستثنی ہے، پڑھیں تو اس کا اجر ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها مقابر، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ، یعنی اس سے مراد نفلی نمازیں، کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، جوائنٹ فیملی میں والدین ہیں اور اسی طرح سے دیگر رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں اسلامی آداب اخلاق سکھانے چاہیے، توحید سکھانی چاہیے، انہیں عبادت کا شوق دلانا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، قرآن مجید کی، سنت کی، دین کی محبت سکھانی چاہیے۔ اور اولاد میں کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہو تو عدل سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو بیوی کے بارے میں ذمہ داری کا احساس یوں دلاتے ہیں، ان تطعمہا اذا طعمت، جب آپ خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، و تکسوہا اذا اکتسیت، جب آپ خود پہنو اسے بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور اس کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبہ ولا تہجر الا فی البیت، اور اسے برا بھلا مت کہو، اور اسے اگر جدا کرنا ہو تو گھر ہی میں رکھ لو، یعنی غصے میں آ کر گھر سے باہر نہ نکالو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدلوا بین اولادکم،
एदिलु बैना अबनाइकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अपने बेटों के दरमियान इंसाफ करो। इसी तरह औलाद की तरबियत के बारे में फरमाया, अक्रिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहम, अपनी औलाद को इज्जत से रखो और उन्हें खूब अदब सिखाओ। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। घर वाले हक रखते हैं कि हम उनकी मदद करें। सईद आयशा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में रहन सहन कैसा था। फरमाने लगी, घर के कामकाज किया करते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। घर महज सोने के लिए, घर महज गपशप के लिए, घर महज ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं है। घर सुकून के लिए है और घर में वो काम ज़रूर होना चाहिए जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, अपने घर वालों को आग की तरफ बढ़ता हुआ ना देखें। घरों में जो तेज़ी से तब्दील होते हुए मामलात हैं, उनमें एक लिबास के बारे में बे एहतियाती है, दूसरा खानों में सेहत का लिहाज ना रखना है, तीसरा हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म होना है, चौथे अल्लाह ताला की हुदूद की पामाली है। अस्तग़फिरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह और बग़ैर ज़रूरत के बराहना होने से मना किया है। आपने फरमाया, बराहना होने से इज्तिनाब करो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसे फरिश्ते होते हैं जो सिर्फ बोलो बराज और बीवी से सोबत के वक्त तुमसे जुदा होते हैं, लिहाजा तुम उनकी इज्जत करो और उनसे शर्म करो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम घर वालों के हुकूक अदा कर सकें और अपने घरों को जन्नत निशां बना सकें और इन घरों में अल्लाह ताला की याद और अल्लाह ताला का कलाम और उसके रसूल की सुन्नत महके। आमीन सुम्मा आमीन।